अच्छा वो जो स्टीम लोकोमोटिव थे वो तो एग्जाम्पल हुए एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन की इंटरनल कम्बस्शन इंजन जो है वो आपके गैसोलीन ये जो पेट्रोल के इंजन जो होते हैं ना पेट्रोल या डीजल के दोनों मिला के ये इंजन जो होते हैं वो इंटरनल कम्बस्शन इंजन होते हैं इंटरनल कम्बस्टन इंजन का मतलब ये कि जहाँ मैकेनिकल एक्शन हो रहा है वहीं पे सारा प्रेशर डेवलप हो रहा है वहीं पे इग्निशन हो रहा है वहीं पे सारी एनर्जी क्रिएट हो रही है तो सारी चीज़ें वो पिस्टन जो होता है ना उसके अंदर सब होता है कोई जैसे स्टीम बाहर बन के नहीं आती बल्कि सारा जो काम होता है वो उसके इंजन के अंदर ही होता है तो एक बड़ी बहुत बड़ा डिफरेंस है जैसे हमने डीजल इंजन की बात की थी उस हिसाब से या फिर इंटरनल कंबसन इंजन गैसोलीन इंजन के हिसाब से इसमें स्टीम तो नहीं ऑबियसली स्टीम नहीं होता ये गैसोलीन इंजन है इसका मतलब पेट्रोल है पेट्रोल जलाने के लिए फिर कोई चीज़ चाहिए बेहतर सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑक्सीजन हो लेकिन ऑक्सीजन तो बहुत एक्सपेंसिव होती है तो उसको ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करते हैं बल्कि एयर इस्तेमाल करते हैं एयर एयर में सिर्फ तीस फीसद ऑक्सीजन है वो तीस फीसद चाहिए होती है बाकी जो नाइट्रोजन है उससे प्रॉब्लम खड़ा होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते वो अभी बताऊंगा कि वो नाइट्रोजन से प्रॉब्लम से क्या होता है तो वो, वो उसको फिर गै पेट्रोल को लेके उसको फिर हवा से मिला के उस मिक्सचर को डालते हैं पिस्टन के अंदर फिर उसको जलाते हैं उस जलाने से पिस्टन चलता है वो मैं आपको तफसील बताता हूँ कि कैसे चलते हैं तो वो बेसिकली यही है अब सारी चीज़ें एक पिस्टन के अंदर ही हुई है ना अब वो जल गया तो अब मैंने ये थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी बताया था कि 1000 डिग्री उसके अंदर तकरीबन टेम्परेचर 1000 डिग्री लोकल टेम्परेचर जो है वो दो तीन हज़ार तक के पहुंच जाता है इंजन के अंदर इंजन के अंदर, अंदर स्पॉट इस वजह से वो कूलिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है लेकिन हज़ार डिग्री एवरेज सारे टेम्परेचर उतना अंदर जो होता है वो इतना होता है उस पर जब जलाएंगे ना फ्यूल अपना तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑबियसली निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी अगर ऑक्सीजन बराबर फ्यूल नहीं हुआ अगर फ्यूल जितना चाहिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिली बल्कि कम हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस होती है ये तो आपको पता ही होगा इसके बारे में हम आगे जाके जब एयर क्वालिटी की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे लेकिन हमारे पास बहुत सारी कारें ऐसी होती हैं जिनकी ट्यूनिंग सही नहीं होती तो ऑक्सीजन पूरा मिक्सिंग अब तो इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग हो गई है टेल पाइप में एक इंडिकेटर लगा होता है एक डिटेक्टर लगा होता है जिससे पता चलता है कि भाई पूरी ऑक्सीजन गई कि नहीं गई अगर ऑक्सीजन कम पड़ी तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिकली उसको ऐड कर देते हैं पुराने ज़माने में हम खुद उसको खोल के कार्बोरेटर को उसकी एडजस्टमेंट किया करते थे कि भाई कितना तेल वेस्ट ना हो अच्छी तौर से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए अब वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है नाइट्रस ऑक्साइड हुआ नाइट्रस ऑक्साइड इस वजह से कि हवा में दोनों ऑक्सीजन भी हैं नाइट्रोजन भी हैं नाइट्रोजन चाहिए तो नहीं लेकिन क्या करें एक हज़ार डिग्री पे जब नाइट्रोजन बर्न होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनती है उसकी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो मैंने आपको पहले भी बताए थे आगे जाके एयर क्वालिटी वाले चैप्टर में फिर बताएंगे और पानी होता है क्योंकि सारे गैसोलीन के अंदर गैस में कार्बन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन जब बर्न होती है तो पानी बनता है तो वो पानी वो उसके अंदर से आ जाता है तो ये सब तो ये सब प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट के जितने भी सारे एक्सॉस्ट के अंदर जितने भी चीज़ें और बात जगह ट्यून अप से नहीं हो तो वो जो आपने पेट्रोल उसमें डाला वो पूरा नहीं जला वो आपके टेल पाइप से निकल गया वो पैसे बिल्कुल जैसे पैसे नीचे से ऊपर से आपने पैसे डाले वो टेल पाइप से आपके पैसे निकल गए क्योंकि वो खर्च नहीं हुए इस वजह से ट्यून अप जो है वो अच्छी होती अब तो काफ़ी बेहतर हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें हो गई हैं तो वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट करते रहते हैं हम जब बच्चे थे तो हम हाथ से किया करते थे सारे थोड़े से टाइट इधर से किया हल्का इधर से किया आ, ये सब मिला के अब देखें अंदर गया ना पेट्रोल गया पेट्रोल क्या है केमिकल एनर्जी है उसको बर्न किया तो हीट एनर्जी हुई हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी से तीन कन्वर्जन हो गए यहाँ पे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कारों की है वो बीस फीसद बीस फीसद कुल मिला के अस्सी फीसद जो है वो बाहर चली गई हीट वेस्ट हीट के हिसाब से अब गाड़ियाँ ज़्यादा शहर में होती हैं तो गाड़ी में गर्मी गा, शहर में कितनी गर्मी हो जाती है उसकी आधी वजह ये है आधी वजह इमारतें हैं और आधी वजह ये जो हीट हम लोग बाहर टेल पाइप से निकालते हैं अच्छा ये एक इंजन का ये खाका है कोई वो ये 2003 का ग्रैंड शहरों की इंजन है जहाँ मैं रहता हूँ जिस शहर में उस शहर में एक फैक्ट्री है उस शहर में ये इंजन बनता है अब ये आ, राइट साइड पे देखें कि ये दो पिस्टन है वो चल रहे हैं और नीचे जो है वो वो उसका जो कैम शैफ्ट है वो नीचे चल रही है तो वो अब मैं पूरा तफसील बताऊंगा कि कहाँ से फ्यूल आता है कहाँ से फ्यूल जाता है लेफ्ट साइड का खुला दरवाज़ा फ्यूल अंदर आ गया है ये पहला स्टेप नंबर वन ये हुआ हाँ फिर इसको ये प्रेशर हुआ ये स्टेप नंबर टू प्रेशर हो गया तो दरवाज़ा बंद हो गया है अब तो फ्यूल बाहर नहीं जा सकता फ्यूल बिल्कुल प्रेशराइज हो गया ये स्टेप नंबर टू हो गया तीसरे स्टेप पे बिल्कुल सेंटर में स्पार्क लगा लगा हुआ है वो स्पार्क जब चला तो एकदम से वो धमाका हुआ है तो ये स्टेप नंबर थ्री हुआ चौथे स्टेप में वो आ, बिल्कुल ये नीचे बाहर आ जा मतलब धमाका हुआ तो तीसरे स्टेप में ये पिस्टन तो नीचे आ गया तो उसके अलावा फिर चौथे स्टेप में जितना भी गैस फॉर्म हुई थी ना जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड वो सब फिर उसके एग्जॉस्ट के अंदर चले गए तो ये चार स्टेप होते हैं इस गाड़ी के अंदर इस वजह से इसको फोर स्ट्रोक इंजन कहला कहलाता है मैं टू स्ट्रोक की बात करूंगा ये इंजन जो है फोर स्ट्रोक इंजन होता है अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर आप ये देख लें अब ये है कि नीचे देखें सब तेल है ये सब लुब्रिकेशन ऑयल है लुब्रिकेशन ऑयल के बगैर ये चल नहीं सकती इसकी गाड़ी लेकिन बिल्कुल पिस्टन से बिल्कुल अलग है पिस्टन में तेल गया तो फिर गाड़ी खराब आप देखें क पुरानी गाड़ियाँ पीछे से धुआं निकलता रहता है उसकी वजह यह कि इनका रिंग पिस्टन खराब हो जाता है तो तेल लीक करके इंजन के अंदर चला जाता है तो फिर वो जलना शुरू हो जाता है फिर उससे काफ़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और ये चारों स्ट्रोक ये एक दो तीन चार ये पूरे स्ट्रोक जो मैंने आपको बताया ना इनटेक फ्यूल लेना कंप्रेशन फ्यूल को कंप्रेस करना कंबसशन उसको फ्यूल को जलाना और एग्जॉस्ट उसका फ्यूल को बाहर निकालना ये चारों मिला के पूरा फोर स्ट्रोक इंजन बनता है और ये पूरे चारों के चारों अलग अलग स्टेप करके आप इसको दर तफसील से लिखें लेकिन जो मैंने समझाया उसी से समझ में आप चारों तरह के स्ट्रोक इस तरह आ जाते हैं ये मुख्तलिफ़ चार पिस्टन देखें एक दो तीन चार कुछ आठ पिस्टन की गाड़ियाँ होती हैं कुछ छः पिस्टन का इंजन होता है वो इंजन की उस पर डिपेंड करता है लेकिन हर जगह का काम एक ही होता है और उससे फिर ये क्रैंक शाफ्ट चलती है जब वो रिंग पिस्टन ऊपर पिस्टन जब ऊपर नीचे होता है तो फिर क्रैंक शाफ्ट चलती है इसकी जो एनर्जी होती है वो फिर व्हील में जाती है जिससे आपकी गाड़ी आगे चलती है तो ये सारा काम जो है वही जैसे मैंने आपको समझाया कि के केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोल की ली उसको जला के हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया उसको हीट एनर्जी के कन्वर्ट कन्वर्जन कर्वर्जन, कर्वर्जन से जो पिस्टन ऊपर नीचे हुआ वो मैकेनिकल एनर्जी हुई उससे हमने फिर पहिए चलाए जो रोटेशनल कैनैटिक एनर्जी तो तीन चार किस्म की मुख्तलिफ एनर्जी जो इसका हर आखिर में पूरा टोटल करें तो टोटल बीस फीसद आ गई उससे आपकी गाड़ी चलती रहती है